अब हम जानेंगे सेल के बारे में, जो कि यूनिट ऑफ लाइट होती है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ लाइट होती है तो क्या होती है? प्लांट सेल बैक्टीरिया फंजाई हैविंग द एडिशनल थिंग एंड पोर्स कोट ऑफ द प्लाज्मा, पोर्स कोट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। इट इज चीफली कंपोज ऑफ द सेलुलोज एंड पॉलीसेक्राइड। दिस इज द पॉली मतलब मेनी और सैकराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, जो कि केमिस्ट्री में है 11th के। और प्लांट सेल इन प्लांट टिश्यू आर केप्ट टुगेदर इन मिडिल लैमिना एंड एक्सचेंज मटेरियल थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा सेकेंड में है तुम्हारा, द प्रोसेस ऑफ द श्रिंकेज प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एग्जोस्मोसिस करा व्हेन केप्ट इन द हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोनिक सॉल्यूशन इन द प्लाज्मोलाइसिस। ठीक, न्यूक्लियस इज द मोस्ट कंस्पिशियस एंड लार्जेस्ट ऑर्गनस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इट इज जनरली सेंट्रल लोकेटेड, कंसिस्ट ऑफ ए डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियर सैक। तो क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ऑफ सेल एंड कंटेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन हेरिडिटरी ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दूसरा जो पॉइंट है ये है साइटोप्लाज्म। पर साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज ए सेमी फ्लूइड जेली लाइक मटेरियल एंड हैविंग थ्री कंपोनेंट, एक साइटोसॉल, एक सेल ऑर्गनस, एक सेल इंक्लूजन। तो देखो यार, जो साइटोसॉल होता है तुम्हारा, साइटोसॉल इज मेनली ट्रांसपेरेंट एंड ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड अ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या हाइलोप्लाज्म। इट इज कंटेन 90% वाटर एंड वेरियस सेल ऑर्गनेल्स या इंक्लूजन इन इट। ठीक, सब सेलुलर कंपोनेंट ऑफ सेल आर फॉर्म द सेल ऑर्गनेल्स या स्मॉल ऑर्गन एक्सेप्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ऑल अदर ऑर्गनेल्स आर द फाउंड एम्बेडेड इन द साइटोसॉल। दीज इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, एंड प्लास्टिड एंड वाइक्यूल, सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला, पैरॉक्सिसोम्स। ये भाई ऑर्गन्स एम्बेडेड होते हैं इन साइटोसॉल, मतलब एक साइटोसॉल के अंदर ये ढंसे होते हैं, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द इंटरसेलुलर मेम्ब्रेंस बाउंड ट्यूब एंड वेसल्स एंड दैट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। इट इज फ्रॉम द सिस्ट्रीन एंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसल्स एंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच एंड इट एंड साइटोसोम आर साइड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज विदाउट राइबोसोम, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच ऑन इट एंड साइटोप्लाज्मिक साइड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज विदाउट राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्मिंग द वैरायटी एज इम्पॉर्टेंट फंक्शन इंक्लूडिंग पैकिंग ऑफ मटेरियल एंड डिटॉक्सिफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन सपोर्ट। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम मतलब क्या? प्रोटीन है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल ऑन द बेसिक ऑफ देयर साइज एंड सेडिमेंटेशन कोफिशियंट। दे आर टू टाइप, 70S एंड 80S। केमिकली दे कंसिस्ट ऑफ RRNA एंड प्रोटीन एंड विदाउट मेम्ब्रेन अराउंड देम। गॉल्जी अपैरेटस क्या होता है? गॉल्जी अपैरेटस ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द RER ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैड लॉस इट राइबोसोम। इट इज जनरली लोकेटेड एट द स्पेसिफिक साइट ऑफ द क्लोज न्यूक्लियर एनवलप। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड एंड फ्लूइड फील्ड सेंट्रल स्टॉक ऑफ द पैरेलल एंड फ्लैट कर्व आर्च एंड इंटरकम्युनिकेट सिस्टम एंड मेनी पेरीफेरियल ट्यूब्यूल वेसल्स। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉडिफाइंग स्टोरिंग एंड पैकिंग ऑफ मटेरियल एंड कमिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सिंथेसिस ऑफ द गॉल्जी इटसेल्फ।
लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. दे आर कॉल्ड सुसाइडल एंड सेल्फ मर्डर बैग ऑफ सेल. दे आर डाइजेस्ट इनकमिंग फूड मटेरियल एंड रिमूविंग फॉरन बॉडी एंड टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स. डिब्रीज एट ट्रेजर रिसाइकलिंग सेंटर. दे कैन बी ब्रेक डाउन ऑफ आउट सेल एंड एंड कंपोनेंट और मॉलिक्यूल्स फॉर द बिल्डिंग न्यू सेल. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है. कॉमनली कॉल्ड पावर हाउस या स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल कहा जाता है. दे आर मेन सेट ऑफ सेल रिस्पायरेशन. दे शुड बी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड बियरिंग स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड प्रेजेंट इन द सेल एंड रिलीज एनर्जी विच इज स्टोर इन द हाई एनर्जी ATP मॉलिक्यूल्स. प्लास्टिड क्या होता है यार? प्लास्टिड एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होता है फाउंड इन द प्लांट सेल एंड एक रिटर्न प्रोटिस्ट बट इन अब्सेंट इन एनिमल सेल. ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिस्ट फाउंड इन द सेल एंड नॉट एक्सपोज्ड टू द सनलाइट. क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? आर कलरलेस प्लास्टिड होता है इन ए सेल एंड एक्सपोज सनलाइट. एंड क्रोमोप्लास्ट हैविंग लाइट एब्जॉर्ब क्लोरोफिल पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. दे आर कॉमनली प्रेजेंट इन ए लीफ सेल एंड मोस्ट हायर प्लांट एंड क्रिटन. ग्रीन एलगी एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड हैविंग द एरिना स्टाक एंड थैकलॉइड स्ट्रोमा बोथ आर द सीट फोटोसिंथेसिस. वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर स्मॉल इन द साइज बट मोर इन नंबर ऑफ एनिमल एंड दीज आर द लार्जर साइज एंड लेस नंबर इन फंजी एंड प्लांट. एंड वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर द सॉयल एंड लिक्विड कंटेंट एंड बोल्ड इन यूनिट एंड प्लांट सेल. लार्ज वैक्यूल्स आर फाउंड इन टोनोप्लास्ट. ठीक, तो ये है पूरा लेक्चर सेल और इसकी